पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आई होप कि आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी 1 से लेकर के 9 10 तक का सॉल्यूशन देखा मैं, तो आज की वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 11 से बाद के बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहता है जो हमें दिया है, सबसे पहला काम उसको हमें लिख लेना है। तो इंटीग्रेशन 1/9x² + 6x + 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx। अब नीचे देखो, अब आपको जो भी द्विघात समीकरण मिलेगा उसको आपने क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, क्योंकि आप इसको नॉर्मली जो गुणनखंड विधि है उससे आप करेंगे तो ये आपका नहीं मिलेगा आपको इसके गुणनखंड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे इन सभी में हमने लगाना है पूर्ण वर्ग विधि, होल स्क्वायर मेथड। तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9x² + 6x + 5, क्योंकि हमने पीछे देख लिया कि क्योंकि टोटल जो आपके 6 फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूलों को हमने किसी तरह से बनाना है, उनमें से कोई एक फॉर्मूला बनाना है और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ पे देखो हम कर सकते हैं 3x² यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी बच्चों, एक्स की। देखो यहाँ से हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा पिछले क्वेश्चन में या पिछले वीडियो में कि यहाँ पे अगर आपका प्लस है तो आपको a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना है, और अगर यहाँ माइनस है तब आपको a-b का होल स्क्वायर बनाना है। अभी तो फिलहाल हमारे पास है यहाँ पर क्या प्लस, अभी प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे a+b का होल स्क्वायर पर। चूँकि क्या होता है a+b का होल स्क्वायर सभी को अच्छे से पता है, जो तो आपका a² + 2 a b + b² ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें हमारे ऊपर वाले इससे, तो देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो a आपको कितना मिल गया यहाँ पे 3x ठीक है। तो यानी ये आपका आ गया ए का मान और ऊपर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बन जाएगा आपका फिर प्लस। इस 6 को हमने ब्रेक कर लेना है, तोड़ लेना है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा, देखो 6x को तोड़ना है हमें, बनाना है क्या 2ab बनाना है। तो देखो ए का मान आपके पास कितना है यहाँ पर 3x है, जब जब हमने यहाँ पर कंपेयर किया, देखो ये आपका ए ही तो है ए स्क्वायर, और फिर देखो यहाँ से हमें चाहिए 2 a * b, यही चाहिए। तो यहाँ से देखो a का मान आपको पहले यहाँ से मिल चुका है, a का मान आपने बच्चों कितना बताया 3x बताया। देखो इसको आप सॉल्व करेंगे 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे कितना रखा है 6x, देखो यहाँ से हमें a मिला, इस 6 को हमने तोड़ लिया 2 गुणा 3 में, यहाँ से मिल गया 2, इस फॉर्मूले का 2, a का मान आपका था 3x, तो हमने यहाँ से रखा 3x। देखो ये पूरा 6x कवर हो गया, बचा गया हमारे पास ऊपर, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है बच्चों, a² + 2 * a का मान आपको यहाँ से मिला 3x, इसी को तोड़ मरोड़ करके हमें बनाना है फॉर्मूला। तो देखो 3x * 2 आपका 6x कंप्लीट हो गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो वहां पे हम क्या लेंगे 1, फिर हमें चाहिए +b², तो यहाँ से आपको देखो 2ab, b का मान कितना मिल गया यहाँ पे हमको 1 ठीक है। तो यही 1 का वर्ग और सॉरी 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर जोड़िए और 1 का स्क्वायर घटाइए, और आपके पास एक्स्ट्रा क्या है +5 ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर जोड़ा और 1 का स्क्वायर घटाया, यानी हमको चेंज कुछ इस तरह से करना है कि अगर हम वापस जाना चाहें अपने समीकरण पर तो हम आ पाए। देखो आप 1 का स्क्वायर जोड़े 1 का स्क्वायर, इससे ही आपका कट हो जाएगा ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 2 * 3x * 1, ये आपका वापस 6x आ जाएगा, और यहाँ पे 3x² यानी 9x² बन जाएगा 6x, और ये प्लस आपका 5, यानी हम जो भी चेंज करेंगे कुछ इस तरह से हमें चेंज कर दो चलना है कि अगर हम वापस आना चाहें तो आ पाए। देखो a² + 2ab + b², यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया a+b का होल स्क्वायर, बचा आपके पास क्या -1 का स्क्वायर, आ जाएगा बच्चों -1 का स्क्वायर क्या हमारे पास 1, -1 और इधर +5, तो आपको बन जाएगा देखो 3x + 1 का होल स्क्वायर, और -+5 में से एक जाएगा बचेगा आपके पास 4, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर = 0, यानी इस पूरी इक्वेशन की जगह पर आप बच्चों क्या लिख सकते हैं 3x + 1 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहे तो यहाँ पर पूरा नोट कर सकते हैं ठीक है।
देखो हम इस पूरे इक्वेशन की जगह हम क्या ले सकते हैं, होल स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, अब हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। अब देखते हैं कि इनमें से फॉर्मूला कौन सा यूज होना, जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला आपको बोले थे कि याद कर लेना। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट में नहीं है तो रूट के बिना आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा नंबर लगेगा, आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला, तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम। और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थ्री एक्स प्लस वन को मान लेते हैं टी, थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा हमारा, थ्री एक्स प्लस वन बराबर टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी एक्स बराबर में डी टी, हमें चाहिए डी एक्स ऊपर, तो ये जो तीन है उसको ले आप ले आइए डिवाइड में, आई बराबर आ जाएगा वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट बाहर, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी, बट्टे में आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस आपका दो का स्क्वायर। अभी आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा बच्चों डायरेक्ट वन अपॉन थ्री, फॉर्मूला आपको पता है वन अपॉन ए, नंबर तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वन अपॉन ए, यानी इंटू में वन अपॉन ए, ए का मान आपके पास बच्चों कितना है, देखो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें चाहिए सिर्फ ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर दो, फिर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए, एक्स का मान देखो कितना है थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन बट्टे में ए, यानी ए का मान दो प्लस सी, ठीक है, और ये आपका हो गया पूरा खत्म, ठीक है। यानी फाइनल अगर आंसर की बात करें तो आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में, थ्री एक्स, और यहाँ से अगर आप देखेंगे वन अपॉन मल्टीप्लाई कराएंगे थ्री इंटू टू करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स, लास्ट एक लाइन और लिख दी यहाँ पे वन अपॉन सिक्स टेन इनवर्स, यहाँ पर देखो एक्स आप रखते हैं टी अपॉन में आ जाता है टू, तो टी का मान हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया है, तो आप चाहे तो एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में टू प्लस सी, तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 नंबर का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पर 12 पर। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि लगा करके सॉल्व करेंगे पहले उसको, और फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन देखेंगे। पहले मेन काम क्या है, पूर्ण वर्ग विधि बनाना। तो दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन वन अपॉन में, और फिर रूट में आपको दे रखा है सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब पहले हम जो नीचे हमें द्विघात समीकरण दे रखा है उसको हम थोड़ा सा सही करके लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर आप सामने ले लीजिए, फिर आ जाएगा आपका माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा आपका जीरो, द्विघात समीकरण है तो आप इसको इक्वल जीरो ले सकते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे अंदर हमारे पास आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, और जो प्लस सेवन है वो आपको बन जाएगा माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, माइनस है आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओगे तो हो जाएगा पूरा क्या जीरो, बचा आपके पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। वैसे फिर से हम पूर्ण वर्ग विधि देखेंगे तो यहाँ पे देखो प्लस है तो यानी आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, सिक्स एक्स को फिर हम तोड़ लेते हैं दो गुना, अब हमें देखो एक्स का मान दे रखा है यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखें ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा टू इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ से अगर देखो ए का मान देखे तो ए का मान क्या है एक्स, तो सिक्स एक्स को हमने तोड़ा दो गुणा तीन गुणा एक्स में, तो ये जो एक्स है वो आपका ए का मान दो, ये आपका फॉर्मूले के लिए आ गया, बच्चा आपके पास क्या तीन, यहाँ पे गुणा में लिखेंगे तीन। अब यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगी होगी किसका मान, बी का मान, जो बी का मान मिला उसका स्क्वायर जोड़ो और उसका स्क्वायर घटा दो, माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, क्लियर यहाँ तक। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस थ्री का होल स्क्वायर
और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप, बचा आपके पास क्या, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -9 और फिर -7 इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये जो है ये आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 9 प्लस 7 करेंगे बच्चों आ जाएगा ये आपका -16, ठीक है। और जब -16 करेंगे तो उसको आप लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको आप 16 लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आगे, तो सिंपल वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, ऊपर जो हमने माइनस जो हटा दिया था, इक्वल में आपने जीरो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन के लिए देख रहे हैं, इक्वल में जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, माइनस कॉमन लिया था, तो ये माइनस आपका पूरा रहेगा बाहर, ठीक है, माइनस रहेगा आपका पूरा बाहर। तो लास्ट में फिर आप इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये आपका चेंज होकर के आ जाएगा किसमें, एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस आपने बाहर कॉमन ले रखा था, तो देखो जो अंदर माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 4 है, तो ये आपका बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, ठीक है। माइनस आप डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट अब स्टेप रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन, और था हमारे पास dx, और इस पूरे का फॉर्म में रूट में इस पूरी इक्वेशन की जगह हम लिख सकते हैं क्या, अभी जो हमने वैल्यू निकाली है 4 का स्क्वायर माइनस फिर आपका एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं अब यहां से, अब आप यहां पर बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आप देखेंगे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 5, क्या था फॉर्मूला नंबर 5, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहां से आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन। डायरेक्ट अब इसको ओपन कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो मान सकते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स प्लस 3 को टी मान लेते हैं, माना एक्स प्लस 3 बराबर टी, यह आ जाएगा आपका डी एक्स बराबर में डी टी, वैल्यू रख लीजिए आई बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह डी टी अपॉन में आ जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स आपका क्या है टी अपॉन में ए यानी 4 और प्लस टी, और अब इधर आप टी का मान रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, और टी आपने किसको माना बच्चों, जल्दी से बताओ फटाफट, एक्स प्लस 3 को, तो ये आ जाएगा ऊपर एक्स प्लस 3 बट्टे में 4 प्लस सी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, बस यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप देखो आपने बस अपने अपने थोड़ा सा कि इजीली समझ में आ जाए, तो आपने माइनस को हमने निकाला तो उसको माइनस को हमने खत्म नहीं करना है, ठीक है, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13, 13 में कहा बच्चों से यहाँ पर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2, तो पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे फिर देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आई 1 अपॉन में रूट में एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और डी एक्स। तो जब आप एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या निकल करके आता है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स गुणा पहले इन दोनों के साथ होगी, तो इसको आप लिख लीजिए एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 फिर माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके एक्स माइनस 2 के साथ। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो एक्स गुणा एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस एक्स, अब इसकी गुणा इन दोनों में हो रही है ना, तो माइनस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो ये आपको बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
अब आप यहाँ पर अगर एक मानते हैं एक की गुणा दो से कराओ, तो देखो गुणा करके दो और जोड़ने पर तीन, क्या ऐसी कोई संख्या है? गुणा करें तो दो और उनको जोड़े तो तीन, तो क्या आपको कोई ऐसा नंबर मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, हमको ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसको हम बनाएंगे कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे इसको। तो पूर्ण वर्ग विधि में चलते हैं इसको लेकर के। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पर प्लस है या माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस है, तो अब आपका कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? तो बच्चा आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका देखो, और देखो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए आपका क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक है, तो यहाँ से पहले देखो ए स्क्वायर तो आपको बना बनाया मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ अगर आप देखेंगे थ्री एक्स है आपके पास, इसी थ्री एक्स को, इसी थ्री एक्स से हमें चाहिए टू ए बी। यहाँ से चलो ए का मान आपको यहाँ पर एक्स मिल जाएगा, बी का मान आपको तीन मिल गया, बट ये टू तो हमारे पास है ही नहीं ना, पीछे हमारे पास छः था, छः को हम तोड़ ले रहे थे, दो गुणा तीन फिर आपका टू, ये बन गया आपका फॉर्मूले का, है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पर हम क्या करेंगे इस वाले पद में दो से गुणा और भाग कराएंगे, ठीक। और उसके बाद बाकी अभी फिलहाल हम थ्री एक्स को ऐसे लिख लेते हैं और प्लस टू को ऐसे लिख लेते हैं। अभी हमने आगे कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या कराया, मध्य पद में दो से गुणा और भाग कराया। तो देखो एक्स स्क्वायर अब हमें चाहिए टू गुणा, जो हमें फॉर्मूले में चाहिए, फॉर्मूले में चाहिए हमको टू मिल गया यहाँ से, फिर ए का मान एक्स, इस एक्स को भी ले लिया हमने टू इंटू एक्स इंटू बी, बी का मान देखो आपके पास जो शेष रह गया वो आपका बी का मान बनेगा, तीन तीन बचा है और बट्टे में दो बचा है, यानी बी आपका बन जाएगा यहाँ पे कितना, तीन बट्टे दो। बी की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तीन बट्टे दो। यहाँ पर देखो हमें कुल मिलाकर के इस फॉर्मूले को किसी तरह से बनाना है, तो एक्स स्क्वायर बना हुआ है हमारे पास, इस थ्री एक्स से हमें चाहिए था टू ए बी, तो यहाँ पर किसी तरह से हमें टू नहीं मिलेगा, तो टू लाने के लिए हमने क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया, गुणा भाग किया तो ये हमें टू मिल गया। फिर उसके बाद ए का मान हमने यहाँ से देख लिया एक्स था, तो यहाँ से एक्स को अलग कर लिया, फिर बाकी बचा हमारे पास तीन बट्टे दो, वहां से हमने बना लिया क्या, बी बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, बी स्क्वायर जोड़ने और घटाने पर, बी का स्क्वायर जोड़ा और बी का स्क्वायर घटाया, और हमारे पास ऑलरेडी क्या बचा हुआ, प्लस टू बचा हुआ, इसको हम लिख लेंगे प्लस टू कर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आया ना, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनाया आपने। और उसके बाद बचा हमारे पास क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे बचा हमारे पास तीन का स्क्वायर, ये बचा है और ये बचा है, तीन का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा नौ, दो का स्क्वायर करेंगे चार प्लस आपके पास दो, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए अलग से। तो एक्स माइनस तीन बट्टे दो का होल स्क्वायर माइनस नौ बट्टे चार प्लस दो, इसको सॉल्व करेंगे चार दूनी हो जाएगा आठ, आठ और प्लस आप करेंगे कितना, नौ, तो ये आपका देखो आ जाएगा कितना, नौ माइनस एक, सामने माइनस है ना, तो सॉल्व करते देखो हर बराबर करेंगे आएगा चार, माइनस का नौ तो वैसे रहेगा, प्लस यहाँ पर एक जब मानेंगे एक का भाग चार से करेंगे चार बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चार दूनी आठ, ऊपर हर बराबर, सिंपल हमने क्या किया, हर बराबर किया और भिन्नों का जोड़ कर दिया, बचा हमारे पास माइनस का एक बट्टे चार आया ना। तो यहाँ पर हम फाइनल क्या लिख सकते हैं, माइनस का एक बट्टे चार, पूरा सॉल्व करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सिंपल क्या किया, इस माइनस नौ बट्टे दो और प्लस दो को भिन्नों के जोड़ की तरह हमने सॉल्व किया और कुछ नहीं किया यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस तीन बट्टे दो का होल स्क्वायर, और इस एक बट्टे चार को हम लिख सकते हैं ना एक बट्टे दो का होल स्क्वायर आया ना। अब बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार, तो वापस आ जाएगा, हमें जो समीकरण दे रखा था उसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं, फाइनल आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऊपर डीएक्स अपॉन में एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का
का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे रूट नहीं है तो एक्स यानी ये आपका पूरा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर सॉरी ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखेंगे आप कौन सा नंबर फोर, तो नंबर फोर वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। और उससे पहले हम क्या करेंगे, एक्स माइनस तीन बट्टे दो को मानेंगे टी, माना एक्स तीन बट्टे दो को माना टी, ये तो आपका हो जाएगा जीरो और यहाँ पर आपका डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा डी एक्स अपॉन में ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे नंबर फोर वाला फॉर्मूला, सबसे पहले आपके पास लॉग, फिर मॉड में एक्स, और एक्स आपका क्या है फिलहाल अभी टी, ठीक, फिर है प्लस, फिर रूट, सॉरी हमारे पास रूट नहीं है ना फॉर्मूले में, तो जब रूट नहीं है तो बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस रूट है या नहीं है एक बार चेक करते वापस, रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, तो यहाँ पर रूट वाला यही फॉर्मूला लगेगा, यानी सही लगा रहे थे, बस यहाँ पे आपको क्या लगाना था, रूट लगाना रह गया। क्या जाएगा लॉग, यही फॉर्मूला लगेगा आपका एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर यानी एक बट्टे दो, एक बट्टे दो का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक बट्टे चार मॉड क्लोज प्लस सी, ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा लॉग टी की वैल्यू, टी हमने माना है एक्स माइनस तीन बट्टे दो को, प्लस यहाँ से फिर से एक्स का मान एक्स माइनस आ जाएगा तीन बट्टे दो माइनस एक बट्टे चार प्लस सी। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और अंदर सॉल्व करेंगे, लॉग एक्स माइनस तीन बट्टे दो प्लस, और रूट में देखो एक्स माइनस तीन बट्टे दो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स माइनस, पहले हम कर लेते हैं माइनस तीन बट्टे दो और माइनस एक बट्टे चार को सॉल्व, तो हर बराबर करेंगे आएगा चार, इस दो का भाग करेंगे चार में दो बार तो यानी आ जाएगा आपका दो, तो आ जाएगा माइनस का छः माइनस एक माइनस का सात बट्टे दो, ठीक है। या फिर आपने देखो अगर ऊपर देखेंगे एक्स माइनस तीन बट्टे दो, और इस पूरे का क्या था हमारे पास स्क्वायर ना, एक चीज और यहाँ पे देखो हमारे पास था टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ना, तो अब तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, अब हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि देखो हमें टी स्क्वायर की वैल्यू रखनी थी, टी था हमारा एक्स माइनस तीन बट्टे दो, यहाँ पर हमने टी का मान रखा है एक्स माइनस तीन बट्टे दो और अंदर और इसका स्क्वायर माइनस एक बट्टे चार, तो ये हमारे पूरा वही इक्वेशन बन गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई। देखो एक्स माइनस तीन बट्टे दो माइनस एक बट्टे दो का स्क्वायर कर दिया तो एक बट्टे चार हो गया, नहीं तो आपका पूरा ये बन रहा, और ये हमने किसको सॉल्व किया है उस पूरी इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में दी हुई, यानी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये लिख देते सीधा हम लास्ट लाइन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस आ जाएगा सी, तो आप यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। तो फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जो आपके सामने है, तो इसको उठा करके रख देते हैं एक साइड में। तो आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन इजी है, बस पूर्ण वर्ग विधि अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपका पहले वाले की तरह होने वाला है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर्मूले को ले आते हैं ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज इजिली कर पाए। तो फिलहाल तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे एक साइड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, वन अपॉन में रूट में एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फिर से हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 8 लिख सकते हैं। फिर से आप चाहें तो माइनस कॉमन निकालिए, अंतर बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। फिर से पूर्ण वर्ग बनाएंगे, यहाँ पे देखो आपके पास माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिलहाल अभी हम माइनस को भूल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 को सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। माइनस जो है इसको हम लास्ट में ले आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रखिए देखो ए स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है माइनस, अब देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा और भाग। फिर a का मान देखो हमारे पास कितना है x, और फिर और बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर 3 बचा है, इस 3 को और लिख लेते हैं हम अलग से, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, बी आपका कितना है, चलो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऊपर अभी माइनस 8, इस माइनस 8 को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ बीच वाले पद में, यानी इसको हमने वैसे लिखा, इसको वैसे लिख लिया, बस इसको हमने क्या कर लिया, 2 से गुणा और 2 से भाग कराइए। अब फॉर्मूला बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, फिर चाहिए हमें a, a का मान आपका ये x, अब यहाँ जो बचा क्या बचा, 3/2 बचा है, 3/2 b का मान मिल गया। जब हमें b का मान मिला, इसी b का मान क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और घटाएंगे वर्ग करके, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ा और 3/2 का स्क्वायर घटाया और लास्ट में आपके पास माइनस 8। सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि सीखनी है आपने, अच्छे से अगर पूर्ण वर्ग विधि सीख ली तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, अब यहाँ पे इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी, बी का मान 3/2 और इस पूरे का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बचा आपके पास क्या, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस का 9/4 और माइनस का 8, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की गुणा 8 में करा दो, 8 को 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 32 और 9 हो जाएगा आपका 41/4, क्लियर है। अब तो इसको देख लेते हैं, अब आपके पास था ऊपर माइनस, क्या था माइनस, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस को अब कंटिन्यू कर लेते हैं, यहाँ पे देखो माइनस बड़ा ब्रैकेट लगा करके माइनस ले लो, अगर हम बार बार लेके चलते तो कंफ्यूजन रहती, तो यहाँ पर लास्ट में हम एक बार में इसको हम ले लेंगे। अब जब आप माइनस अंदर लोगे तो जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो फाइनल आपके पास बनेगा देखो प्लस 41, और इसको 41 को रूट लगा दे तो आपका देखो स्क्वायर बन जाएगा, 4/2 चार का 2, ये पूरे का आपका स्क्वायर बन गया, माइनस जो ये देखो पूरा प्लस था, जब हम माइनस अंदर ले जाएंगे तो आपको बन जाएगा माइनस, ठीक है। अब कई लोग कन्फ्यूज रहेंगे कि सर रूट 41 और फिर उसका स्क्वायर कैसे, हमें देखो चाहिए क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला बनाना है ना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए अगर आप मान लो 41/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा ना, अगर मैं इसका इस रूट लगा दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, तो देखो आपको पूरा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बताओ आंसर क्या आएगा, रूट 41 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा 41, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो जो आपको चाहिए वो देखो यहाँ पर मिल गया ना, तो बस इसी तरह से कुछ ना कुछ चेंज करके हमें फॉर्मूला लाना है, तो बताओ फटाफट कौन सा फॉर्मूला, और ये देखो किसके अंदर है, रूट के अंदर है, तो इसको ले आते हैं हम लास्ट में, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फिलहाल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऊपर dx बट्टे में है रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा है रूट के अंदर बंद। अब बताओ रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा नंबर, फॉर्मूला नंबर 5, रख दो फटाफट।
इंटीग्रेशन हो, उससे पहले एक्स माइनस 3/2 को मान लेते हैं टी, माना एक्स माइनस 3/2 बराबर टी, हो जाएगा आपका डी एक्स बराबर में डी टी। अब कर दो फॉर्मूला आपका, पहले वैल्यू रख देते हैं, डी आ जाएगा ऊपर डी टी बट्टे में रूट में 41/2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा पूरा टी स्क्वायर। फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब एक्स से आपका एक्स माइनस तीन बट्टे दो इस पूरे का अपॉन में ए, और ए आपका रूट 41 अपॉन में 2 और प्लस सी। अब आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो अपॉन में 2 है, यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये आपका बन जाएगा देखो इनवर्स 2x-3 इस पूरे का अपॉन में 2 फिर आपका रूट 41 अपॉन में 2, तो इस 2 से आपका 2 कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास साइन इनवर्स 2x-3 अपॉन में रूट 41 प्लस सी। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी कोई डाउट कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 14 का भी सॉल्यूशन देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें भी बच्चों सेम वही करना है जो हमको भी पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी पूर्ण वर्ग विधि इसमें भी हमको बनानी है और बस फॉर्मूला देख लेना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है इस क्वेश्चन के लिए भी। पहला काम आपको क्या करना होता है, जो हमें दे रखा है उसको लिखना है। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी एक्स, चाहे आप मल्टीप्लाई में लिखो चाहे आप ले लो डायरेक्ट वन के साथ, दिया आपको एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब पहले हम एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन देखा ना मल्टीप्लाई, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस बी फिर माइनस ए ब्रैकेट में एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई कराएंगे, बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका ए बी, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो बीच वाले में से हम क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी बाहर एक्स प्लस ए बी, एक्स कॉमन ले लिए यहाँ से। ठीक है, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे ब्रैकेट लगा, अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी सॉल्व हमें कुछ इस तरह से करते हुए चलना है कि वापस हम पहुंच पाए। अब यहाँ पे आप देखो कि x के साथ आपका माइनस है कि प्लस है, तो आप बोलेंगे सर माइनस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे आप यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी अब हमको ये बनाना है कि हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टू इंटू आपका ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखो आपका यहाँ ए आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ देखो हमारे पास क्या नहीं है, टू नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो से गुणा और भाग कराई a प्लस बी और यहाँ पे x प्लस ए बी। अभी फिर इसको हमने इस स्टेप में क्या कराया, दो से गुणा और भाग, बाकी जो भी हमें दे रखा वो हमने वैसे का वैसे लिख लिया एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए टू, मिल गया a का मान यहाँ से x, तो ये वाला x आ जाएगा हमारा आ गया, बाकी जो बचा वो किसका मान, b का मान। तो हमें b का मान यहाँ से कितना मिला, a प्लस बी बट्टे दो, तो इसी का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, ए प्लस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर जोड़ा और ए प्लस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर घटाया और बचा हमारे पास क्या, प्लस का ए बी, इसको हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया। देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी आपका क्या है, ए प्लस बी बट्टे दो इस पूरे का होल स्क्वायर, तो a माइनस ये आपका b का होल स्क्वायर कंप्लीट।
अब जो हमारे पास बचा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। बचा हमारे पास क्या, माइनस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इनका स्क्वायर साइड में हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखो फिलहाल सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा टू ए बी, और फिर प्लस आपके पास क्या है ए बी, और उसके बाद यहाँ सामने आपका माइनस। तो इस पूरे के बट्टे में तो दो का स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा चार, तो कर लेते सॉल्व। देखो ये आ जाएगा आपका माइनस का, अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये आ जाएगा आपका फोर ए बी बनेगा। अब माइनस आप अंदर ले जाइए, माइनस सिर्फ इसी के साथ रहेगा ना, तो सिर्फ इसी में जब हम अंदर डालेंगे माइनस, ये बन जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और प्लस यहाँ पे आपके पास है फोर ए बी, और इस पूरे का बॉन्ड में फोर। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे माइनस टू ए बी और ये प्लस फोर ए बी बचेगा आपके पास क्या, प्लस टू ए बी, क्या आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इस पूरे के अपॉन में फोर। फिर से आप यहाँ से तो जो अंदर प्लस है सॉरी माइनस है वो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये आपका बन जाएगा माइनस टू ए बी, और इस पूरे का अपॉन में फोर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये, अगर हम इस पूरे को देखें तो ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये आपका ऊपर बन जाएगा माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बट्टे में दो है तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आया ना। अब कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बाकी इधर हम रिपीट कर देते हैं बाकी जो हमें दे रखे हैं। बस किसी तरह हमको क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है और इसमें कुछ करना नहीं है अलग से। यहाँ पर जो लाइन हमें दे रखी है सिर्फ हम वो लाइन यहाँ पे हम करते हुए चल रहे हैं। यहाँ से लाइन हमारी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जो जिसके साथ जो है हम उसको रखेंगे यहाँ पे। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। ये इसके साथ आ जाएगी लाइन और लास्ट लाइन के साथ ये आ जाएगा, ठीक है फाइनल। यानी हमारे हमने जो सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए माइनस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट ले चलते हैं हमारे आई में, तो इंटीग्रेशन था ऊपर था डी एक्स, इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस बीच में, फिर यहाँ पे ए माइनस बी बट्टे दो का होल स्क्वायर, अभी आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब रूट में आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला बताओ जल्दी से किसका बन रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। तो बताओ जल्दी से कौन सा नंबर का फॉर्मूला बनेगा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में फॉर्मूला नंबर फोर। क्या होता है हमारा फॉर्मूला नंबर फोर, लॉग फिर आपका यहाँ पर मॉड में एक्स, और एक्स हमारे पास कितना बच्चों, यहाँ पर एक्स हमें दे रखा है यहाँ पर ये हिस्सा पूरा, तो आ जाएगा आपका मॉड में x माइनस ए प्लस बी बट्टे दो, फिर आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस आएगा यहाँ पर
फिर आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी पूरे को हमने, ये जो हमने सॉल्व किया ये पूरा किसको सॉल्व किया, ये इसी को तो सॉल्व करके आया, ये जो हमने यहाँ पर निकाला था एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को तो सॉल्व करने के बाद आया, तो डायरेक्ट यही हम यहाँ पे लास्ट में लिखने वाले हैं। देखो ये पूरा जो हमने ये जो हम लेकर के आए ये पूरा किसको आया है सॉल्व करने पर, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी इसी को सॉल्व करने पर आया मॉड क्लोज प्लस सी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फाइनल जो आपका आंसर है वही ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लॉग इसको पूरे को टी मान सकते थे तो टी स्क्वायर बन जाता है फॉर्मूला, और बाद में फिर आपको यहाँ पर टी की वैल्यू रखनी पड़ती, तो उससे अच्छा हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 भी हो गया कंप्लीट। देखने में लेंथी है बट आपको पता है कि बस एक एक स्टेप में, और आपको पूरा एक एक क्वेश्चन जो एक एक स्टेप है पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ से थोड़े से जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे कि ऊपर अभी तक हमको जो क्वेश्चन मिल रहे थे ऊपर हमें एक एक ही देखने को मिला, क्या मिला ऊपर अगर आप देखेंगे सभी क्वेश्चन में हमें वन वन देखने को मिला, यानी डायरेक्ट हमने ऊपर क्या किया डी एक्स और डी टी वगैरह बना करके सॉल्व कर लिया, बट अभी हमारे पास क्या है फोर एक्स प्लस वन मिला है अलग अलग, तो इसको हम क्या करेंगे दोनों को अलग अलग लेकर के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16, तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन 4x प्लस वन जो दिया उसको लिखा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। अब बताओ यहाँ पर तो क्योंकि ऊपर आपको 4x वगैरह दे रखा तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे अगर हम इस नीचे वाले को पूरे को मान लें, माना क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री को अगर t माने तो 2x स्क्वायर का आ जाएगा 4x प्लस एक्स का करेंगे वन, ये हो जाएगा आपका जीरो, इस पूरे का डी एक्स आ जाएगा और इधर डी टी। पर हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं कि बने, तो वहां पर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो सीधा सीधा हमको मिल गया है, यहाँ पर हमें बना बनाया खाना मिल गया, तो 4x प्लस वन डी एक्स का क्या रखेंगे हम डी टी, और इस पूरे को मान लिया हमने नीचे क्या टी, तो ये आपका डी टी अपॉन रूट टी बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली जैसे हम पीछे सीख चुके हैं, तो इस रूट टी को जब आप ऊपर लाएंगे टी की पावर माइनस वन बाई टू आ जाएगा और डी टी इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, तो आ जाएगा टी टू दी पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा टी टू द पावर प्लस वन बाई टू, ये हम बहुत पीछे सॉल्व कर चुके हैं नीचे भी प्लस वन बाई टू प्लस सी, सॉल्व कर लीजिएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन को तो प्लस वन बाई टू आएगा, और ये जो टू है ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा टू टी टू द पावर वन बाई टू प्लस सी, इंटीग्रेशन टू टी आपने माना किसको टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इसकी पावर में आ जाएगा वन बाई टू प्लस सी। अब आप पावर यानी वन बाई टू को अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो लास्ट लाइन लिख दीजिए इंटीग्रेशन टू रूट में टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस सी, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है 16 नंबर। तो बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।